फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद गंगा वाइब्स में। और इसमें बन रही है बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, फुल वीडियो जरूर देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लिया है मटर और इसको 2 कटोरी मैंने मटर लिया हुआ है और इसको अच्छे से धुल लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे 2 कटोरी ले लिया हुआ है। अब इसको धुल के एक बर्तन में निकाल के एक साइड रख लेंगे। तो सारी को अच्छे से छान लेना है। यहाँ पे निकाल लिया हुआ है छान के। अब एक कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे और 2 चम्मच तेल डालेंगे, बस ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है। और जीरा, अजवाइन और सौंफ, तीनों चीज़ इसमें चुटकी चुटकी भर ऐड करना है। उसके बाद से 1 मिर्च, आप जितना तीखा पसंद करते हो उतना ले लीजिए, लेकिन मटर में 1 ही मिर्च सही रहेगा क्योंकि मटर मीठा होता है ना, तो तीखा कम चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद से इसको 2 मिनट ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए चला देंगे इसको। फिर ऐसे ही चलाते इसको और गैस का फ्लेम ना लो रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मटर बिल्कुल अच्छे से भून के रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तब तक आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े वाले कटोरे से 1 कटोरा आटा लिया हुआ है और इसमें जीरा और अजवाइन, उसके बाद से थोड़ा सा नमक और उसके बाद से 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया हुआ है। सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा अच्छा से गूंथ लेंगे। और आटा को नरम लगाएंगे क्योंकि मटर जो होता है ना वो भी गीला ही होता है, तो उसके लिए आटा को हमें नरम लगाना होता है ताकि अच्छे से जब भरेंगे ना तो ये फटेगा नहीं। टाइट आटा लगाएंगे तो मटर भर के बनाएंगे ना तो वो फट जाएगा, तो इससे आटा नरम लगाएं। इसको ढक के एक तरफ रख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे मटर ठंडा हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अभी इसको मिक्सी जार में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेंगे। तो मेरा 2 बार में आया है तो यहाँ पे देखिए 1 बार में पीस लिया हुआ है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें दूसरा ऐड कर लेंगे। अब इसको भी पीस के इसमें रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पीस के रेडी हो गया है। अच्छा, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है तो अब इसमें मैं नमक मिला रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे और मिक्स करके इसको एक तरफ रख लेंगे। तब तक चलिए अब मिर्ची का अचार बना लेते हैं क्योंकि पराठे के साथ हमें मिर्ची का अचार बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये वाली मिर्ची का अचार एक अलग तरीके से बनाएंगे। आप कैसे बनाते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिर्ची को अच्छे से काट के धुल लिया हुआ है। अब यहाँ पे धुल के काट लिया हुआ है। अब यहाँ पे जीरा, सौंफ और धनिया और सरसों, तीनों चीज़ लेंगे। पहले इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद से इस पर एक एक चम्मच लिया है। 1 चम्मच पूरा धनिया है और आधी आधी चम्मच जीरा और सौंफ है। और सरसों देखिए बाद में ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच सरसों भी है। अभी इन सभी को अच्छे से भून लेंगे और बिना तेल के ही इसको भूनेंगे। अब इसको निकाल लेंगे और पीस लेंगे मिक्सी जार में। आप चाहे तो इसको कूट भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीस लिया है। अब एक तरफ कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद से मिर्ची इसमें ऐड कर लेना है। इसको 2 मिनट तक भूनना है। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, ये भून गया है अच्छे से। अब इसमें चुटकी भर हल्दी मिला लेंगे और नमक, स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। फिर चला लेंगे इसको। अब इसमें मसाला जो हमने बना के रखा है ना पीस के, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। पूरा मसाला ऐड कर देना है।
तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मिर्ची का अचार रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे नींबू निचोड़ दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे और एक तरफ इसको रख देंगे। अब तो देखिए बन के रेडी हो गया है। अब चलिए पराठा सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़े काट लिए हैं। और ऐसे ही चारों तरफ से इसको फैलाते जाएंगे हाथों में, और चम्मच से एक एक चम्मच इसमें भरते जाएंगे। और देखिए मैं कैसे भर रही हूँ, ये बिल्कुल फटेगा नहीं अगर आप ऐसे भरेंगे तो। देखिए इसको बेल लिया हुआ है और देखिए कितने अच्छे से। अब मटर है तो हरा हरा थोड़ा सा दिखेगा, ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे। और उधर मैं तेल लगा के उसको सेकते जा रही हूँ और इधर भरते भी जा रही हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और देखिए पराठा बहुत ही अच्छे से फूल भी रहा है और कहीं से भी फटा नहीं है। तो एक बार इस तरीके से जरूर बनाइएगा। और गैस का फ्लेम लो रखिए ताकि अच्छे से पराठे सिके। देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है। और सारे पराठे ऐसे ही सेक लेना है। आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी बना के दे सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो इसको बच्चों के टिफिन के लिए ही बनाई थी, तो तभी मैं सुबह सुबह ही इसका वीडियो बना ली थी। तो देखिए ये बच्चों के टिफिन के लिए रेडी हो गया है। और ये मिर्ची ना बच्चे भी खा लेते हैं क्योंकि ये तीखा नहीं होता है, तो कुछ अलग दे अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता रेडी हो जाएगा। बच्चों के लिए भी हो जाएगा या लंच में भी आपके लिए हो जाएगा। तो एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा। आलू के पराठे खा खा के बोर हो जा रहे हैं, तो कुछ अलग पराठा देना है, तो इसको एक बार बच्चों को जरूर बना के दीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए ऐसे ही सारे पराठे सिक के रेडी हो गए हैं। तो मिर्ची यहाँ पे रेडी हो गया है और आप इसको सॉस के भी साथ खा सकते हैं। और पराठे देखिए बहुत ही अच्छा सा बनके रेडी हो गया है, पूरा अच्छे से फिल भी हुआ है फ्रेंड्स। देखिए मैं ऊपर से निकाल के दिखा रही हूँ, अभी बहुत ज्यादा गर्म है। तो देखिए इसके अंदर पूरा चारों तरफ अच्छे से बराबर से फैला हुआ है। तो बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनके रेडी हो गया। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट कराती हूँ मिर्ची के साथ। देखिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन के रेडी हो गया। और देखिए मिर्ची के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स।